बातें बताई गई, उसके बाद मेरे अभी जो एक नृत्य प्रस्तुति हुई, मैं समझता हूं उसमें जो बातें बताई गई, उसके बाद मेरे को अवसर बने। अभी जो एक नृत्य प्रस्तुति हुई, मैं समझता हूं उसमें जो बातें बताई गई, उसके बाद मेरे को वो सारी बातें उसमें समाहित है। अगर हम उसको ही आज का संदेश मान ले तो मेरे समेत यहां उपस्थित और देश में इस कार्यक्रम को देखने वाले हर किसी के लिए एक नया विश्वास पैदा करने वाला, नई आशा पैदा करने वाला वो एक नृत्य प्रस्तुति थी। मैं हम सबको हर बधाई देता हूं और उस पूरे कार्यक्रम में रीना ने जो कमाल दिखाई, दो हाथ नहीं एक पैर नहीं फिर भी जिंदगी का जज्बा कुछ हो रहा है। अभी हम देख रहे थे वीडियो पुराना, उसमें भी मैंने बताया था यहां भूल जाइए कि आप किसी समारोह में बैठे हैं, आप ऐसा ही मानिए कि आप अपने परिवार में बैठे हैं और परिवार में ही गप्प गोष्ठी कर रहे हैं और अपना ही परिवार का कोई चीर परिचित चेहरा हमसे गप्प मार। अगर ये हल्का फुल्का वातावरण रहेगा तो शायद मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे लिए ये कार्यक्रम किसी को उपदेश देने के लिए नहीं है, न मुझे अभिभावकों को कोई उपदेश देना है, न टीचर्स को कोई उपदेश देना है और न ही विद्यार्थियों को देना है। मैं यहां आपके बीच खुद को अपने जैसा, आपके जैसा, आपकी स्थिति मनस्थिति वाला कुछ पल में जीना चाहता हूं जैसे आप जी। आइए शुरू करते हैं। कहां से शुरू करेंगे? माननीय इस बार स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर भी हैं और पेरेंट्स भी हैं और वो भी देश से भी हैं, विदेश से भी हैं। सबसे पहले रूडी दत्ता जो कि कोलकाता से हैं, एक टीचर हैं और वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर, मैं हूं रूडी दत्ता।
and I teach biology at Kendriya Vidyalaya, IIM Joka, Kolkata. My question to you, sir, is, as a teacher, what do you tell parents who consider exams as make or break situation for their children's future? Thank you, sir. As a teacher, हमें उन parents को क्या कहना चाहिए जो ये समझते हैं कि exam से उनके बच्चों का भविष्य या तो बन सकता है या बिगड़ सकता है। बाकी इसी से मिलता जुलता ही एक और सवाल है जो हमारे बीच में इस वक्त बैठे हैं रोहित श्री, जो कि basically केरला से हैं लेकिन दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम रोहित श्री है, मैं केरला का रहने वाला हूँ। मैं अभी दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। महोदय, हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स का हमारे ऊपर कुछ ज्यादा ही उम्मीद रहती है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत प्रेशर भी रहता है। महोदय, मुझे लगता है आपका भी हाल कुछ हमारे जैसा है, देशवासियों का आपसे कुछ अधिक ही अपेक्षाएं हैं। प्रधानमंत्री जी, आप हमें बताइए, आप इस एक्सपेक्टेशंस के साथ कैसे डील करते हैं और हम इसके साथ कैसे डील करें? धन्यवाद। माननीय आपसे निवेदन है कि कृपया हमें प्रेरणा दें। आप केरल से हैं लेकिन मुझसे भी ज्यादा अच्छे हिंदी बोल रहे हैं। आप में से बहुतों को जब 10वीं या 12वीं कक्षा में जाते होंगे या फाइनल एग्जाम होगा, किसी को दिन में 2-10 बार सुना होता है, समझ नहीं आता है। दोस्तों के साथ टेलीफोन पर बैठे रहे हो, चलो कंप्यूटर छोड़ो, तो पढ़ाई करो, क्या कर रहे हो, ऐसे ही होता है ना? शायद बता ही रहा। दरअसल परीक्षा का महत्व तो है, इसमें इनकार नहीं कर सकते, और मैं ये तो नहीं कह सकता हूं पर हम मत करो यार, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, ऐसा तो नहीं कह सकता। लेकिन क्या ये परीक्षा जिंदगी की परीक्षा है क्या, कि उस क्लास की परीक्षा है? अगर एक बार मन में तय करें ये एग्जाम 10वीं कक्षा की, ये एग्जाम 12वीं कक्षा की है, ये मेरी जिंदगी का कसौटी नहीं है, अगर इतना से हम सोच रहे हैं तो हमारा जो भार है, बोझ है, वो भी कम हो जाएगा और शायद उस एक काम के लिए हमारा फोकस बढ़ जाएगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये जो कुछ कहते हैं ना भाई, अब 10वीं में गया तो सब बेकार, जिंदगी पूरी, ऐसा कुछ नहीं। परीक्षा के गलियारे से ही निकली हुई जिंदगी होती, ऐसा नहीं है, उसके बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया होती है। और पहले मैंने एक कविता पढ़ी थी, उसमें एक बढ़िया वाक्य था, उसमें लिखा था, पूरी कविता तो मुझे याद नहीं आज, कुछ खिलौने के टूटने से बचपन नहीं मरा करता है। बचपन तो उसमें बहुत बड़ा संदेश है, कुछ खिलौने के टूटने से बचपन नहीं मरा करता है। एक आध एग्जाम में कुछ इधर उधर हो जाए तो जिंदगी ठहर नहीं जाती। लेकिन